हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो सेरी का टाइम हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले चाय बनाऊँगी और आज सेरी में मैं बना रही हूँ दाल चावल और खिचड़ी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है यही, तो मैं यही बनाऊँगी आज। तो दाल चढ़ा दी है मैंने और चावल भी बघार दिया है और आटा भी भूनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी रोटी बनाऊंगी। देखिए चावल धो दिए मैंने, वही आटा भून के रखूंगी अभी। तो चावल तैयार हो चुके हैं। हाँ हाँ, बस हो गया, सोना को उठा ले। बस अब जल्दी से पराठे बना लेती हूँ और दाल में बघार लगा देती हूँ। देखिए चावल मेरे बिल्कुल खिले खिले बन चुके हैं। पराठे बना लेते हैं फटाफट। बर्तन पड़े बहुत सारे ज़माने के रखे दिए मैंने, तो आज मैं पराठे बनाऊंगी, दाल चावल और ऑमलेट भी बनाऊंगी साथ में, क्योंकि पूरे रमज़ान निकल रहा है, ऑमलेट ही नहीं बनाया इस बार। तो ये देखिए दाल मेरी माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है और ये मेरे चावल भी बन चुके हैं। हाँ मैं फटाफट से खिचड़ी बघार दूंगी अब जल्दी से। तो इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, फिर भी बहुत लेट हो चुकी हूँ और खिचड़ी भी तैयार हो गई है। तो खिचड़ी भी तैयार हो चुकी है, ये देखिए मैं दे देती हूँ, बच्चे सेरी कर रहा है फटाफट।
फाइनली बच्चों की सेरी मैंने फटाफट करवा दी है और बहुत लेट हो रहा, और अब मैं जल्दी से सेरी कर लेती हूँ, बच्चे भी उधर सेरी कर रहे हैं। फाइनली सबकी सेरी हो चुकी है और टाइम भी ख़त्म हो गया है, और ये वाला रूम तो इतना फैला हुआ पड़ा है इसमें कि अब बस मैं काम में लगूँगी, उसके बाद सोऊँगी फिर। तभी मुझे कपड़े और ये भी तय करके रखना है, और इसलिए मैं फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही सोती हूँ रमज़ान में। और आज मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के यहाँ रोज़ा अफ्तार में, तो बताऊँगी मैं आपको वहाँ पर भी। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रही है, और मैं सेरी करके तो सो गई थी क्योंकि रात को नहीं सोती हूँ मैं, रमज़ान में रात को सोती ही नहीं हूँ, इसलिए सो गई थी। और बाकी के काम मैंने छोड़ दिए थे तो वो मैंने अभी उठकर किए, और अभी मैं फ्री हुई हूँ काम करके, और अब मुझे जाना है अफ्तार में। मैंने आपको बताया था सुबह कि मुझे आज जाना है रोज़ अफ्तार में, तो मैं थोड़े से और काम बाकी है, वो काम से फ्री होके फिर मैं जाती हूँ रोज़ अफ्तार में। तो अभी मुझे कपड़ों के तय करना है जो मैं सुबह नहीं कर पाई थी, और यहाँ का धोना, वहाँ का काम मुझे करना, और तोशी उठ चुका है और सोना तो सोया नहीं है सेरी करके। और यहाँ मुझे जमाने हैं अभी बर्तन, तो ये छोटा सा काम और कर लेती हूँ मैं थोड़ा। मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ और नहा कर भी आ गई हूँ, और तो शिव गया अभी नहाने, और बस अब मुझे जाना है वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि जोहर की अजान हो चुकी है, और मुझे नमाज़ पढ़ के अब मैं सीधी अफ्तार के लिए जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे तैयारी करना है मुझे ही। और तो फाइनली तो शिव भी तैयार हो चुका, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अब लेके जाना है तपेले, जो उसने मुझे फ़ोन पे ही बोल दिया था कि तपेले लेके आना, तो इनको मैं खाली कर देती हूँ क्योंकि पापड़ और ये रखे हुए हैं, तो शिट उसमें डाल देंगे यार फोन के अंदर। फोन में डाल दे, वो रखे हुए आएंगे। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर, और तो शिव इंतज़ार कर रहा है मेरा बाहर। तो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और थक गई हूँ, बहुत बुरी थक चुकी हूँ, तो मैं घर आ चुकी हूँ और इतनी थक गई हूँ कि बस आके बैठ गई यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा काम करके आई हूँ। पूरी वीडियो तो नहीं बना पाए वहाँ पे, क्योंकि तो शिव फ़ोन लेके आ गया था ना, तो पूरी वीडियो नहीं बन पाई। और अभी मुझे फिर जाना है मार्केट, क्योंकि वहाँ मुझे ईद की शॉपिंग करना है थोड़ी, तो पहले मैं नहा के और फिर बाजार जाऊँगी। तो मैंने नमाज़ भी पढ़ ली और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, और तीनों भाई नमाज़ पढ़ने गए हैं, और हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर ही है, वो आएंगे अब ईद के टाइम पर ही आएँगे। तो अम्मी के भी सूट है जो सिलने के लिए डाले थे, तो उनको भी लाना है, और अम्मी का कुछ सामान है वो भी लाना है, और सुबह गांव भी भेजना है अम्मी पापा के कपड़े, और ये कपड़े हैं हस्बैंड के जो अब नाप भी देकर आना पड़ेगा मुझे, ये कुर्ते पजामे का है, तो वो आएंगे जब तक सिल जाएगा। और दिखाती हूँ आपको पूरा घर सोना, और ये किचन भी देखे अभी, और ये सब मैं सामान तपेले में रखा था तो खाली करके लेके गई थी उसके लिए, और ये देखिए अभी पूरा घर है ना, मैं वहाँ चली गई ना, मैं रोज़े अफ्तार में गई ना, तो वहाँ इतना थक के आई थी कि आकर कुछ बनी ही नहीं मुझसे करने के, इसलिए अब ये काम तो सारे बात के हैं। सबसे पहले मार्केट जाना है क्योंकि मार्केट बंद हो जाएगा। मैं तैयार हो गई हूँ, और तो उसी पर भी नहीं आया नमाज़ पढ़ के, आने वाला है,
और मैंने कपड़े भी रख लिए, हस्बैंड के भी याद आ गई मुझे नाप के देना है वहाँ पे, तो उनके भी कपड़े निकाले मैंने, वो आएंगे जब तक सिल जाएंगे, तो मार्केट में तो नहीं बना पाऊँगी मैं ब्लॉग, इसलिए देखते हैं थोड़ा बहुत अगर बन जाएगा तो। घर आ चुकी हूँ और कुछ भी मार्केट तो पूरा ही बंद हो गया था और टाइम भी बहुत हो गया, क्योंकि मुझे मैंने बोला था ना 2-3 काम है तो करके आई, और सोना तो सो गया मेरा इंतज़ार करते करते, और बिट्टू नहा रहा है अभी। तो मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ, ज़्यादा नहीं करी, थोड़ी सी करी है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये शॉपिंग मेरे लिए नहीं है, ये शॉपिंग है अम्मी बाबू जी के लिए, अभी तो आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं फ्री हो गई आके, तो महात्मा को भी अब मैं आपको बताती हूँ क्या लाई हूँ मैं ख़रीद के। देखिए शॉपिंग, तो ये अम्मी बाबू जी की शॉपिंग है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। छोटे एक सूटी है अम्मी का और इस पे ये चूड़ी, तो ये 2 पैकेट लाई थी मैं। एक सूटी है अम्मी का, इस पे ये वाली पिंक चूड़ी लाई तो मैं हमेशा अम्मी के लिए हल्के ही गर्म लाती हूँ सूट में, तो का जवाब भी दूंगी। तो ये अम्मी के लिए चप्पल, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सामान कैसा लग रहा है, कपड़े चप्पल चूड़ी। और ये है बाबू जी के, तो दोनों की शॉपिंग हो चुकी है अम्मी बाबू जी की दोनों। और ये है बाबू जी के कुर्ते पजामे का कपड़ा, तो बाबू जी हमेशा वाइट ही कपड़े पहनते हैं। तो ये हो गई है शॉपिंग अम्मी बाबू जी की, अब मैं सुबह जाऊंगी लेकर जो गांव में रहते हैं। तो ये इतनी गर्मी में भी गर्म पानी से नहाने की तैयारी हो रही है, गीजर चालू कर लिया है इसने, इतनी गर्मी में कौन नहाता है गर्म पानी से, तो शिव नहाता है गर्म पानी से, स्पेशल बच्चा। तो सारी तैयारी तो हो चुकी है अम्मी बाबू जी की, अब मैं सुबह जाऊंगी और फजर की नमाज पढ़ के ही मैं निकलूंगी यहाँ से, और उधर से जल्दी आ भी जाऊंगी क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है सिर्फ, तो शिव और हम दोनों जाएंगे। तो और बाहर के मैं कुछ भी ख़रीदारी करी ना, तो वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि रोड पर नहीं बना पाई है, दुकान की भी नहीं बना पाई, तो इसलिए जो लाई मैंने यहीं दिखा दिया आपको। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।